झारखंड में उत्पाद सिपाही की बहाली के लिए दौड़ चल रही है। इसका एक सेंटर हजारीबाग जिले के पद्मा पुलिस ट्रेनिंग केंद्र में बनाया गया है, जहां विगत 8 दिनों के अंदर दूसरे अभ्यर्थी की मौत हो गई है। आज शनिवार को गिरिडीह के सूरज वर्मा की मौत दौड़ के दौरान हो गई है। इधर पूरे राज्य भर से खबरें आ रही हैं कि उत्पाद सिपाही के दौड़ के दौरान ही अभ्यर्थियों की मौत हो रही है। वहीं सूचना पर पहुंचे स्थानीय परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। परिजनों का कहना है कि दौड़ के लिए अभ्यर्थियों को रात भर लाइन में खड़ा कर दिया जा रहा है और इसके बाद सुबह सुबह भूखे प्यासे दौड़ में शामिल हो रहे हैं। वहीं परिजनों का यह भी कहना है कि बच्चा काफी होनहार था और उसने जेपीएससी का पीटी निकालकर मेंस का परीक्षा दिया था तथा परिणाम की प्रतीक्षा कर रहा था। उत्पाद सिपाही का दौड़ का सूरज प्रसाद वर्मा उत्पाद सिपाही का दौड़ने के लिए आए थे पद्मा, इसके कारण दौड़ कंप्लीट कर करके उसकी मृत्यु हुई है। और ये व्यवस्था अगर शायद वहाँ पर ऑक्सीजन सारे चीज़ का व्यवस्था होता तो उसकी मृत्यु नहीं होती। एक होनहार बच्चा का मृत्यु, इसे कह सकते हैं झारखंड सरकार अब जो जिम्मेवारी ले, इस मौत का जिम्मेवारी जाते हो झारखंड सरकार ही है। आप लोगों को क्या जानकारी मिली कि क्या हुआ था वहाँ? अब जिस तरह पता चला है कि उत्पादन सिपाही वाला में मतलब युवा दौड़ रहे थे और दौड़ कंप्लीट किए 10 किलोमीटर का, उसके बाद वो आराम से बैठे हैं और उसके बाद उसकी धड़कन रुकी और उनका देहांत हुआ है, आते वक्त देहांत हुआ है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा सर झारखंड सरकार से कि सबसे पहले सर 2-3 लाख लड़का लोग एग्ज़ाम सबसे पहले एग्ज़ाम लेना चाहिए। एग्ज़ाम से अगर छट जाता तो 60-70 हज़ार लड़का रहता और उसको आप पूरा टीम के आधार पर, क्योंकि स्वास्थ्य सेवा वहाँ पर बहुत ही ज़रूरी है, कम से कम वहाँ पे एक ICU रखना चाहिए जहाँ पे अगर लड़का किसी का धड़कन का या किसी का प्रॉब्लम होता डायरेक्ट वहाँ पे सुविधा मिलता तो बच्चा आज बच जाता, क्योंकि ये तीसरी मौत हो रही है। तो ये तो हमको साफ दिख रहा है कि व्यवस्था चौपट है और मैं इस परिवार के लिए मुआवजा और एक नौकरी की मांग करता हूँ। ये बहुत ही दर्दनाक घटना, एक युवा मेहनत करता है और किस तरह बेचारा वो दौड़ा, कितना दिन से तैयारी कर रहा होगा और उस माता पिता का जिस तरह का हालत है, मैं तो दुख प्रकट करता हूँ और ये बहुत ही गलत है।